वेलकम टू द माय चैनल लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इंसर्ट रिबन में आप देखेंगे यहां पर एक सिंबल का ऑप्शन है। सिंबल का यूज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस लिए करते हैं और किस तरीके से यूज होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से सीखेंगे। उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मैं जब कभी भी कोई भी नई वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियोस को देखकर और भी बहुत सारी चीजें कंप्यूटर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का अपना टॉपिक है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सिंबल है, जो सिंबल का यूज किस तरीके से होता है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इसे ओपन कर रखा है और आप यहाँ पर देखेंगे होम और इंसर्ट वाले रिबन में लास्ट में राइट हैंड पर यहाँ पर एक ऑप्शन है सिंबल का। जब फ्रेंड्स हम सिंबल पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का डिस्प्ले होता है हमें, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ साइन यहाँ सिंबल बने हुए हैं और आप यहाँ मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मोर सिंबल में आप देखेंगे क्लिक करने के बाद कि मोर सिंबल का एक जो फंक्शन है हमारे सामने इस तरीके से सिंबल के नाम से ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर सिंबल्स हैं जिसमें अलग अलग कंट्री के अलग अलग चीजों के बारे को जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमें बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे सिंबल्स यहाँ पर है, इनका यूज कब होता है फ्रेंड्स और किस लिए होता है ये हम सीखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो आप देखोगे जैसे कि कंपनियों के आगे ऐसे लिखा होता है, सपोज दैट जैसे मान लीजिए हमारी हमने अपनी कंपनी का नाम लिखा है यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ लिखा लालचंद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने लिखा और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर लेते, साइज यहाँ से बड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो इसका साइज जो ये ट्रस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ पर एक सिंबल आ जाए रजिस्ट्रेशन का जिसपे आर बना हुआ आए और यहाँ पर जीरो टाइप के, तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंबल्स का यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ सिंबल्स पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने बाद आपको यहाँ मोर सिंबल पे क्लिक करना है और इसमें से आपको आर नाम का जो रजिस्ट्रेशन सिंबल है उसको आपको फाइंड कर लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर R नाम का जो रजिस्ट्रेशन सिंबल है इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर दूंगा, तो आप देखेंगे R नाम का जो रजिस्ट्रेशन सिंबल है वो हमारे यहाँ पर आ चुका है। ये जो रजिस्ट्रेशन सिंबल है फ्रेंड्स ये हमें क्या शो करता है कि जो हमारी ये कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। इस R का मतलब यही होता है कि जो कंपनी है वो क्या है, रजिस्टर्ड है। आपने देखा होगा इस R की जगह बहुत सारी जगह कंपनियां ऐसी होती है जिसमें T लिखा होता है साइन करके, तो यहाँ पर इस जगह हमने यहाँ पर T के लिए हमने दोबारा यहाँ पर जैसे हमने नाम लिखा लालचंद इंस्टीट्यूट और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जो टी का साइन आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है अगेन सिंबल पे जाना है और यहाँ मोर सिंबल पे फ्रेंड क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो टी का साइन है या सी का आपने देखा होगा सी लिखा होता है टी लिखे होंगे तो आपको वहां पर की क्लिक करना है या टीएम लिखा हो तो टीएम पे क्लिक करना है। जो भी आपको सिंबल चाहिए अपनी कंपनी जो भी आपका कंपनी जो है वो किस चीज के अंदर रजिस्टर्ड है उसके हिसाब से आपको यहाँ से सिंबल फाइंड करना होता है और आपको इंसर्ट करके क्लोज कर देना है। तो आप देखेंगे जो सी का जो सिंबल है वो हमें इस तरीके से मिल गया है लेकिन ये एज अ वर्ड की तरह आया है कि हम चाहते हैं कि जो सी का सिंबल है यहाँ पर ऊपर यहाँ पर शो हो हमारे वर्ड के, तो हमें इसको यहाँ से काट देते हैं और होम पर आप आएंगे और यहाँ पर X2 है, X2 पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप X2 पे क्लिक करेंगे तो जो आपका कर्सर है थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, अगेन आपको इंसर्ट पे क्लिक करके सिंबल पर जाना है और जो भी आपका कंपनी जिस किसी भी ट्रेड के अंदर रजिस्टर्ड है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट करके ओके कर देना। तो अब देखेंगे जो सी है हमारा ये जो इंस्टीट्यूट है इसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है और उसको आप बोल्ड इटैलिक अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं जिस फंक्शन में आपको यहाँ से करना हो। तो इस तरीके से हम यहाँ फ्रेंड सिंबल का यूज करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से मोर सिंबल्स देखने हैं या आपको रुपीज का साइन चाहिए या डॉलर का चाहिए तो आपको कुछ तो हमारे कीबोर्ड्स के अंदर मिल जाएंगे, आप कीबोर्ड्स में देखेंगे जहाँ नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ सिंबल आपको। और अगर आपको यहाँ से नहीं चाहिए जैसे रुपीज का साइन चाहिए तो आप यहाँ मोर सिंबल पे जाएंगे, मोर सिंबल पे क्लिक करके आप यहाँ से इसमें जाकर यहाँ रुपीज का साइन और दूसरी चीजें जो है यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, नॉर्मली यहाँ फॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ फॉन्ट टेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, हर कंट्री का अपना अपना एक सिंबल यहाँ पर बना दिया हुआ है, आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं देखकर आप उसके ऊपर क्लिक कर लें और आप देखें यहाँ से आपको जो सिंबल है यहाँ पर मिल जाएंगे, अलग अलग स्टाइल्स में मिलेंगे, फॉन्ट में मिलेंगे, कलर में मिलेंगे, डिजाइन में मिलेंगे। आपको कोई मैथ का जो फंक्शन है या कोई रूल्स है जैसे यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर पाई का रूल दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, बीटा मिलेगा आपको, परसेंटेज मिलेगा, मतलब कोई सा भी सिंबल आपको चाहिए वो सारे सिंबल्स आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सिंबल वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको मिल जाएगा। जो भी सिंबल्स आपको फाइंड करना है उसके ऊपर आपको क्लिक करके जस्ट इंसर्ट करना होगा और वो सिंबल आपको वहां से इजीली मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारी चीजें समझ में आ गई।
अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जाएं, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको वहां पर लिखकर हमें बताएं। मैं जब कभी भी आपके डाउट्स या क्वेश्चन को देखूंगा उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपको एक नई वीडियो मिल सके। थैंक यू।